बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट ऑफ कैनाल पटवारी। ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो जूनियर क्लर्क और जो बीपीएस 11 के एग्ज़ाम्स हैं बीपीएससी के, उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज कायद आजम स्टॉम लोकेटेड। कायद आजम का मज़ार किस शहर में है? आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर इज कराची। तो ये कम्प्लीट कब हुआ था, डिज़ाइन कब हुआ था? डिज़ाइन 1960s में हुआ था और कम्प्लीट हुआ था ये 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान बुक रिटन बाय, पाकिस्तान में सियासत और रियासत की किताब किसने लिखी थी? द राइट आंसर इज मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड नील ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में नील किस दरिया को कहते हैं? राइट आंसर इज इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान। इंडस रिवर इज अ राइट आंसर। इंडस इज अ लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज। कोहे सुलेमान रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो तख्ते सुलेमानी इज अ राइट आंसर। इससे रिलेटेड जो हैं एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं वो ये आ सकते हैं, ये लोकेटेड कहाँ पे है? डेरा इस्माइल खान के करीब, ठीक है, और ये एलिवेशन इसकी क्या है, और ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? व्हेन वाज फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? 1800 इज द राइट आंसर। अगस्त 1800 को जो है ये मार्ज़े वजूद में आया था और इसके फाउंडर थे लॉर्ड विल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर। इससे रिलेटेड और भी दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है, ड्यूरंड लाइन, ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और थोड़ी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैग्ना कार्टा साइंड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा जो है ये कब साइन हुआ था? राइट आंसर इज 1215। 1215 में जो है ये साइन हुआ था और इसका जो मेन मकसद था वो पीस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसिस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। 1951 इज अ राइट आंसर। फर्स्ट सेंसिस 1951 में हुई, सेकंड सेंसिस जो हैं वो 1961 में हुई, थर्ड सेंसिस जो है 1972 में हुई। जो है ना ये हर 10 साल बाद जो है ना ऑफिशियली तौर पे जो है ना वो सेंसिस जो है ना वो होते हैं। ड्यू टू सम रीजंस अगर लेट हो जाएं या जल्दी हो जाएं ये एक सेपरेट मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारसक डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। वारसक डैम जो है वो दरियाए काबुल पर वाक़िया। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ के टू पीक इन मीटर्स। ये एक आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि बाज़ दफ़ा वो मीटर्स में पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा इसका यूनिट जो है वो चेंज कर लेता है। तो मीटर में जो इसकी लेंथ है के टू की वो है 8611 मीटर्स, और इसमें इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स है, इसका जो है वो नेम भी पूछ लेता है समटाइम्स। के टू इज़ आल्सो कॉल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसका जो है वो नेम है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पीक है। उसके बाद जो है अब ये देखें, इसकी मीटर्स में भी पूछ लेता है हाइट और फीट्स में भी पूछ लेता है, ये आपने दोनों जो हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द हाइएस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। Which is the highest memory in computer? The right answer is TB. TB is the right answer. Who accompanied the Holy Prophet peace be upon him in the cave of Sor? गारे सोर में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे?
द राइट आंसर इज हजरत अबू बकर सदीक। हजरत अबू बकर इज अ राइट आंसर। इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। वट इज द मीनिंग ऑफ शहादत? शहादत का मतलब है टेस्टमोनी। टेस्टमोनी इज अ राइट आंसर। टेस्टमोनी का मतलब होता है शहादत, फॉर द सेक ऑफ राइटफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? द राइट आंसर इज 1931। 1931 इज द राइट आंसर। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1931 में हुई थी, सेकंड 1931 में, एंड द थर्ड वन इज 1932। ठीक है, तो ये जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड। तो आखिरी गजवा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था वो था गजवाए तबूक। गजवाए तबूक इज अ राइट आंसर। वट वॉज द पर्पज ऑफ वट पज बिहाइंड द टेरिटरी ऑफ वर्साइल? द राइट आंसर इज कोडिफाइंग टर्म्स बिटवीन विक्टोरियस लाइज एंड जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनजीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड ऑन? बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल है वो कब हुआ था? द राइट आंसर इज दिसंबर 27, 2007। 27 दिसंबर 2007 को इनका जो है वो कत्ल हुआ था। ये बेनजीर भुट्टो के बारे में जो है ये सारी डिटेल्स जो है आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। दोहा एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन? द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड अफगानिस्तान। इसकी जो है वो वजह क्या थी, डिटेल्स जो थी, यूएस और तालिबान की जो डील थी ये हुई थी दोहा एग्रीमेंट के थ्रू। विच प्लैनेट हैज सिमिलर साइज एज अर्थ? वो कौन सा सियारा है जिसका साइज जमीन के बराबर है? वीनस इज अ राइट आंसर। हु वाज फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा? क्यूबा के जो हैं वो बहुत ही मशहूर जो हैं वो सदर हैं, उनका नाम था फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो इज अ राइट आंसर। द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा का जो कैपिटल है वो है हवाना। आपने जो कैपिटल्स हैं इन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपने याद कर लेने हैं। एक आधा क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड भी आ जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड? शिमला एग्रीमेंट जो है वो हुआ था 1972 में। मर्सिया की जमा क्या है? मर्सिया की जमा है मेरासी। मेरासी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ नेपाल? कैपिटल ऑफ नेपाल है काठमांडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है उसका नाम है मनशेर लेक। मनशेर लेक जो है वो सिंध के डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में वाकया है। ठीक है, इसकी लोकेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है बाजुकात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट की ऑफ सेंटर अलाइन? सेंटर अलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस ई इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस शॉर्टकट की का क्वेश्चंस भी जो है ना, शॉर्टकट की का क्वेश्चन एक आध जो है वो पेपर में ज़रूर आता है, तो इस पे भी मैं एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1956 द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू? 1956 के आइन के मुताबिक गवर्नर जनरल का अहदा जो है वो किस में तब्दील कर दिया गया था? द राइट आंसर इज प्रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हजरत मूसा ने किस बादशाह के घर परवरिश पाई? तो ये आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिरौन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो की वजह क्या होती है? पोलियो इज कॉज्ड बाय, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, वायरस। पोलियो एक वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो भी देख लेते हैं कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड होती है। पर इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता होता है कि पोलियो वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन साल्क इज़ अ राइट आंसर। एक ये क्वेश्चन आता है, और सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च अ पोलियो वैक्सीन ड्राइव आफ्टर 1988?
इसराइल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर अ पैराग्राफ इज, जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो अलाइनमेंट जो होती है पैराग्राफ की वो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट. इन यूएन जनरल असेंबली हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट ईच कंट्री, यूएन असेंबली में जो है वो कितने मेंबर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. 5 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसेंसिस टेक प्लेस फास्टर इन, ऑब्वियसली जो है जो फोटोसेंसिस का अमल है वो रोशनी में होता है और ये किस लाइट में होता है ज़्यादा, वाइट लाइट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल सेंसिस ऑफ पाकिस्तान इज कैरिड आउट एवरी, ये मैंने आगे भी आपको जब सेंसिस का क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जो है वो एनुअल सेंसिस जो है पाकिस्तान में जो होते हैं वो होते हैं हर 10 साल के बाद. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम टाइम फिश से क्या मुराद है. टाइम टाइम फिश से मुराद है बे नतीजा, जिसका कोई जो है वो नतीजा खजना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कौम हज़रत जिब्राइल की सबसे बड़ी मुखालिफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहूदी. पतरस बुखारी. उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसानीफ है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है. इब्ने इंशा. मुश्ताक अहमद यूसफी की सब की वजह शहरत जो है वो क्या थी. मुश्ताक अहमद यूसफी की वजह शहरत थी मज़ाह निगारी. आखिरी आदमी किसका नावल है. आखिरी आदमी के मुसन्निफ हैं इंतज़ार हुसैन. ठीक है. आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरा है ये एक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोजवेल्ट पॉइंटेड द 100 डे कॉन्सेप्ट इन, राइट आंसर इज 1933. रोजवेल्ट गेव अ रेडियो एड्रेस इन विच कॉइन टर्म फर्स्ट 100 डेज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पे इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया. विच कमांड विल यू यूज इन पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग कंटेंट. द राइट आंसर इज कलर स्कीम. कलर स्कीम से जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन की थ्योरी जो थी वो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो प्रेजेंट की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तौबतुन नसू और इब्नुल वक्त किसकी तसानीफ हैं. राइट आंसर इज डिप्टी नज़ीर अहमद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमास केम इनटू पावर इन फलस्तीन. हमास जो है वो फलस्तीन में कब जो है पावर में आया था. द राइट आंसर इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन. कंस्ट्रक्शन जो थी वो ताजमहल की वो कंप्लीट हुई थी 1647 में. इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुई थी 1632 में, कंप्लीट हुई 1647 में और ये बिल्ट बाय था, ये शाहजहां ने बनवाया था. मेमोरी किसकी थी वो मुमताज़ महल ऑफ मुमताज़ महल. इसकी हाइट जो है वो 73 मीटर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सनोनिम ऑफ फेलिसिटी. बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है. फेलिसिटी का सनोनिम जो है वो है हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टर्म इज कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किस जो है वो टर्म में मेजर की जाती है. बाइट्स इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय विच डिवाइस. रेडियो एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है जेजर काउंटर की मदद से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोप एंड डिटर्जेंट रिमूव द डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स ड्यू टू. ये किस प्रोसेस के तहत जो है वो रिमूव होते हैं दाग वगैरह. इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ इंटरफ्रैक्शन टेंशन. इंटरफ्रैक्शन टेंशन इज अ राइट आंसर. टाइम न्यू रोमन इज एन एग्जांपल ऑफ. टाइम न्यू रोमन जो है वो एक इसका है फॉन्ट है ऑफिस का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन Which one is an input device? Input device जिस जो होती हैं जिनसे हम कमांड जो हैं वो देते हैं कंप्यूटर को और जिनके थ्रू फिर हमें आउटपुट मिलती है, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं. तो इनमें से जो है वो राइट आंसर है, इनपुट डिवाइस है माउस. माउस इज़ द राइट आंसर. विच इज़ द मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि कभी कभार, ऑन अ रेयर ओकेजंस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
टेलीविजन, रेडियो, फोन स्प्रेड सिग्नल्स थ्रू, ये किसके थ्रू सिग्नल जो हैं वो स्प्रेड करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये जो हैं वो सिग्नल्स स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अ किंग ऑफ, ये जो अलेक्जेंडर थे वो किंग थे मैकेडोनिया के जो हैं वो ये किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, ठीक है जो हम न्यू प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, एग्जिस्टिंग से भी और फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बाइट इज इक्वल टू, वन बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है एग्जाम्स में। हाउ मच फ्री स्टोरेज डज जी मेल प्रोवाइड, जी मेल जो है वो बाई डिफॉल्ट जो है वो 15 GB की स्टोरेज जो हमें प्रोवाइड करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज इन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। नेक्स्ट इज ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, सो द pH ऑफ मिल्क इज, pH जो है वो मिल्क की होती है 6.7 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लू बुक इज अ ऑफिशियल बुक ऑफ विच कंट्री, ब्लू बुक जो है वो UK की जो है ऑफिशियल बुक है, ठीक है ये इसकी थोड़ी डिटेल है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो लिखी थी सैमुअल बी हंटिंगटन ने जो है वो ये लिखी थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं PPSC के पास एग्जाम्स में जो हैं वो आ चुके हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।